like you guys, we were also craving cheese bus pizza badly. और फिर हमने घर पे ही try किया and trust me, turned out amazing. हमें एक bowl में 1 teaspoon yeast, 1 teaspoon sugar and थोड़ा सा warm water डाल के अच्छे से mix करके 10 minutes के लिए हमें side में से रख देना है. Now for the dough, हमें 2 cup मैदा लेना है एक परात में and then थोड़ा सा salt और अच्छे से उसको stir कर देना. उसके बाद 3 से 4 चम्मच हमें थोड़े ऑयल के डालने हैं एंड देन जो ईस्ट का मिक्सचर हमने साइड करके रखा हुआ था वो ऐड करना है एंड देन धीरे धीरे ल्यूकवॉर्म वाटर ऐड करते रहना है और एक अच्छा सा डो बना लेना है. डो को हमें अच्छे 5-7 मिनट तक अच्छे से नील करना है ताकि एकदम सॉफ्ट सा आ जाए. आई नो थोड़ा एफर्ट लगेगा बट ट्रस्ट में पिज्ज़ा भी उतना ही अच्छा बनेगा. फिर बस 2 घंटे के लिए मिनिमम हमें साइड में रख देना है. फिर इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं, एक थोड़ा छोटा पार्ट होगा और एक बड़ा पार्ट होगा. छोटे वाले पार्ट को एकदम पतला रोटी की तरफ बेल लेना है और अच्छे से तवा पे हमें सेक लेना है जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड फोक से प्रिक करना है. फिर बड़े वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा मोटा बेल के अपने ट्रे पे रख देना है एंड देन अच्छे से उसे पूरा चीज स्प्रेड करना है, जितना चीज उतना अच्छा चीज बस पिज्जा. एंड देन हमने जो रोटी रखी हुई थी पतली सी अपनी सेक के उसको ऊपर से कवर करना है, उसको गोले से कट कर लेना ताकि गोल वाला शेप आए एंड देन अच्छे से सील कर लेना है. मेक श्योर कि हमने जो रोटी सेकी थी वो छोटा हो जो हमारा बड़ा वाला डो है. इसके बाद हमें पिज्जा सॉस अच्छे से स्प्रेड करनी है एंड देन अपने वेजीज, जितने भी आपके पास वेजीज हो बेसिकली, मतलब हमारे पास कैप्सिकम वगैरह जो जो घर पे था हमने सारा अच्छे से लगा दिया. यू कैन इवन पुट सलामी और बहुत कुछ लाइक चिकन वाला भी बना सकते हो. वी हैव मेड इट ऑफ मशरूम एंड वेजीज. तो हमने अच्छे से उसको पूरा स्प्रेड किया. उसके बाद इस पर बहुत सारा चीज़ डाला बिकॉज चीज़ बस पिज्ज़ा एंड चीज़ तो बनता है बस. उसके बाद हमने इसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए बेक कर लिया एंड इट्स डन. जस्ट लुक एट दैट, कितना ज़्यादा ड्रूलिंग लग रहा है. सो डू ट्राई गाइज.